हेलो एवरीवन, होप यू आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैं वहाँ से ये ग्रेटर नोएडा से लेके आई हूँ स्लेट पेंसिल, शक्तिशाली ब्रांड की। तो ओपन करके देखती हूँ कि कैसी हैं ये। ये थोड़ी रेड के कलर में है, प्योर वाइट नहीं है। कुछ मोटी है, कुछ छोटी है। मैं अपने चैनल पर वापस आ गई हूँ। का थोड़ा रेड कलर है, कुछ मोटी है, कुछ पतली है। ये मुझे सारी ठूसनी है। इनको मैं वॉश करूंगी और ये मैं लाई हूँ हापुड़ से भीम ब्रांड की स्लेट पेंसिल। तो इनको ओपन करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये कुछ वाइट और ब्लैक कलर की हैं। वाओ, इसमें तो कुछ ये भी निकला है वाइट बार। मुझे कुछ अलग ट्राई करना था, इसलिए मैं ये लेके आई। ये प्योर वाइट है और कुछ इसमें ब्लैक है। यह है भीम ब्रांड और बहुत ही शक्तिशाली ब्रांड। उसमें ज्यादा क्वांटिटी थी, इसमें कम है। वाओ, ये बिल्कुल ब्लैक है। जो मैंने बाहर खाए थे सेम वैसे ही है, कुछ ब्लैक है कुछ वाइट है। देखिए, मैंने सारा ओपन कर दिया है। अब मैं इनको पानी में भिगो के दिखाती हूँ। मैं भीम ब्रांड की स्लेट पेंसिल वॉश कर रही हूँ। वाओ, ये तो देखने में बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लग रही है। वाओ, इसमें तो बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। देखिए, ये रेड हो गई है, कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है एंड कुछ रेड वाइट है। देखिए, इनमें से आवाज़ भी आ रही है। तो इनको वॉश कर लूंगी मैं। बहुत टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा मुझे लग रहा है वॉश होने के बाद अपने कलर में आ गई हूँ, जैसा इनका कलर है। इनको मैं थोड़ा क्लीन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लीन नहीं है। देखिए, इसमें मेरा
मेरा मन कर रहा है अभी खा लूँ इसे। देखिए इसमें थोड़ी रेडनेस है, तो वॉश कर लें। मुझे स्लेट बार बहुत अच्छे लगते हैं, बट क्ले पॉट उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सॉफ्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने वॉश कर दिया, इनको धूप में सुखाने रखूंगी, फिर उसको क्रंच करूंगी। अब बाकी है, ये शक्तिशाली ब्रांड है, ये रेड कलर है, इसमें कुछ कलर लगा हुआ है। मैं इनको भी वॉश करती हूँ। क्वांटिटी ज़्यादा है उनके मुकाबले, मेरा बाउल भर गया। देखिए ये पूरी रेड है, मुझे वाइट वाली ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। क्लीन है सारी, मुझे कुछ इनसे बहुत ही यम्मी और टेस्टी खुशबू आ रही है, जैसे मिट्टी में से आती है। ब्रोकन है क्योंकि टूट चुकी है। ये पार्सल क्लीनिंग की वीडियो थी, अब इसको मैं धूप में सुखा के कल क्रंच करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही टेस्टी लग रही है, अभी सॉफ्ट हो चुकी है, कल धूप में सुखाने के बाद इनको मैं क्रंच करती हूँ। ओके फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।